मैमिनोविक, ऑनर ऑफ जावा कुकिंग क्लासेस। आज मैं अमूल में एक रेसिपी बना रही हूँ, पनीर सैंडविच विद कर्ड डिप। ये सारे पनीर अमूल के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। आज हम इन्हीं के साथ एक रेसिपी बना रहे हैं। ये अमूल पनीर है, इसके साथ हम एक सैंडविच बना रहे हैं स्पेशल। इसके लिए हमने ये ब्रेड लिया है और ब्रेड की साइड्स हमने रिमूव कर दिए हैं। और ये दही है जिसको हमने हंग कर दिया था, मतलब एक स्टेनर में अच्छे से उसमें मलमल का कपड़ा लगाकर रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रिज में। ये गाढ़ी हो चुकी है, पहले हम अपनी डिप की तैयारी करेंगे और वेजिटेबल्स की भी, उसके बाद हम सैंडविच बनाएंगे। गैस को ऑन कर देंगे। डिप को तो बनाएंगे हम सरसों के तेल के साथ, और सैंडविच को बनाएंगे हम अमूल बटर के साथ। सबसे पहले ये इधर हमने गैस ऑन कर दी है और इधर हम थोड़ा सा डिप के लिए दही भी डाल रहे हैं, हाफ थोड़ा सा ले रहे हैं हम इसमें, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चम्मच से फेंट लें या फिर विस्क से फेंट लें, किसी भी चीज से फेंट लें। अच्छे से फेंट लेंगे इसको, और इसके बीच में आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस डाल सकते हैं, हरी चटनी डाल सकते हैं, शेजवान सॉस डाल सकते हैं, पिज्जा सॉस डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें पिज्जा सॉस डाल रहे हैं। और आज का जो हमारा सैंडविच है ना, वो साउथ इंडियन फ्लेवर का है पूरा। इस डिप में भी हम थोड़ा सा साउथ इंडियन तड़का लगाएंगे। ये हमने दही को फेंट कर रख लिया है। अब हम पहले अपनी सब्जियों की तैयारी करेंगे, क्योंकि सब्जियों को थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। पहले हम अपनी थोड़ी सी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये एक पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आपको मैं बता देती हूँ मैंने सब्जियां कौन कौन सी ली हैं। गाजर ली है, शिमला मिर्च है, ये अमूल पनीर है जिसको हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया है, छोटा सा प्याज लिया हमने, एक मशरूम है, एक छोटी सी हरी मिर्च है उसे भी बारीक काट लिया है, और 3-4 मूंगफली लिए हैं जिनको हमने क्रश कर दिया मोटा मोटा। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें, ऑयल को 1 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हम हींग, और मैं अमूल को थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर रेसिपी बनाने की, अपनी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की, जो मैं 30 ईयर से सिखा रही हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन रेसिपीज ज़्यादा नहीं डाल पाई हूँ, अब डाल रही हूँ मैं रेगुलर। आप मेरे जैमा कुकिंग क्लासेस को फॉलो करें, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम राई, डालेंगे हम प्याज, गाजर, एक मिनट के लिए इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है, बाकी सभी सब्जियां बहुत जल्दी बन जाती हैं। वैसे हमने बहुत बारीक बारीक काटी हैं, ये जल्दी से गल जाएंगी। इसे हिलाते रहेंगे। इसमें हम थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे ग्रेट करके।
थोड़ी सी हमने फ्रेश हल्दी भी ग्रेट कर ली है। अब इसके बीच में डालेंगे हम मशरूम, शिमला मिर्च, पनीर, मूंगफली, हम सब कुछ डाल देंगे इसके बीच में। थोड़ी सी हम अदरक और मूंगफली और डाल देंगे बारीक कटी हुई। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम इसके बीच में ये हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सांभर मसाला। नमक, थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। हमने फ्रेश हल्दी भी डाली है और ये दूसरी हल्दी भी डाल दी है। इसे हिला लेंगे। में हमारी ये सब्जियां गल जाएंगी, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको मैं बता दूं, हमने जो ये ब्रेड लिया है इसकी हमने साइड्स रिमूव कर दी हैं, और इस रिमूव कर लिए हम जो साइड्स हैं इसको भी हम नहीं फेंकेंगे। आप इसकी कल एक रेसिपी हमारे पेज पर देख सकते हैं, हमने इसी के साथ एक मिनी पिज्जा बनाया है। आप उस पिज्जे की रेसिपी देख सकते हैं, हमने इसके साथ एक लॉलीपॉप पिज्जा बनाया है, उसकी रेसिपी हम कल डालेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज जैमा कुकिंग क्लासेस में, यूट्यूब में, सब में देख सकते हैं आप। वैसे तो साइड्स के साथ बहुत कुछ बनाया जा सकता है, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, पर उसके साथ हमने एक मिनी पिज्जा बनाया है जो आप देखेंगे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। बस ये सब्जियां हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये सब सब्जियां हम कच्ची भी खा सकते हैं, हमने बहुत बारीक काटी हैं, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाए। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं डिप में। उसमें भी हम साउथ इंडियन का ही तड़का लगाएंगे। ऑयल डाल रहे हैं हम थोड़ा सा, इसके बीच में डालेंगे हम राई, कड़ी पत्ता, इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी हम सब्जियां डाल देंगे, बहुत कम, वही सेम सब्जियां हैं सारी। तड़के के बीच में डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सांभर मसाला। इसे मिक्स करेंगे। और इसे हम अपनी डिप में डाल देंगे। आपको दिखाते हैं, हमने डिप को, दही को पहले ही निकाल दिया था, तवे को सिम पर रख देंगे। ये दही निकाला हुआ है, इधर ले आओ। डिप में हम अपना ये तड़का डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालकर मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा हम ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे बाद में।
इसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब तक हमारी सब्जी ठंडी हो जाती है, इस डिप को हम प्लेट में डाल देंगे। और इसे गार्निश कर देंगे तड़के के साथ, जो भी हमने तड़का तैयार किया है। तब तक हमारी सब्जी ठंडी हो जाएगी, फिर हम उसके एक सैंडविच बनाएंगे। आप देखेंगे तड़के के साथ ये डिप कितनी अच्छी लग रही है। अब जो हमने ये दही लिया था, इसी में से थोड़ा सा दही हम इसमें डाल लेंगे एक और बाउल में। और जिस जो हमने अभी सब्जियां थोड़ी सी फ्राई की थी, वेजिटेबल साउथ इंडियन फ्लेवर दिया था हमने इसमें, वो इसके बीच में डाल देंगे। अब हम इसमें ग्रेट करेंगे अपना पनीर। ये अमूल का पनीर है, इसको हम इसके बीच में ग्रेट कर लेंगे। हमने बीच में बारीक बारीक काट कर भी डाला है और ग्रेट भी कर रहे हैं, आप देखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीच में कोई भी सॉस डाल सकते हैं, हरी चटनी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बीच में हम एक अमूल की चीज भी डाल देंगे। अब हम अपनी ब्रेड ले लेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे सॉस। आप कोई भी सॉस यूज कर सकते हैं, टोमेटो केचप यूज कर सकते हैं, पास्ता सॉस यूज कर सकते हैं, ग्रीन चटनी यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर की सॉस यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम चीज स्लाइस लगा देंगे। अब हम लगाएंगे अपना साउथ इंडियन फ्लेवर का पनीर। इसको हम दो तरह से बनाना दिखाएंगे आपको। एक हम ओपन ही बनाएंगे और एक हम पूरा बंद करके सैंडविच बनाएंगे। अच्छे से इसमें फिल कर देंगे, स्टफिंग को अच्छे से फिल कर देंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे। अब जो हमने डिप के लिए ही बनाई थी तड़का, थोड़ा सा तड़का डाल देंगे। इसको सैंडविच को हम इसके साथ बंद कर देंगे। अब खोलेंगे हम अपना अमूल बटर और तवे पर थोड़ा सा डाल देंगे।
इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर भी हम हल्की सी राइस स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि हमने पूरा साउथ इंडियन फ्लेवर दिया है। और थोड़ा सा डालेंगे हम सांबर मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसे ब्रश से फैला लेंगे। एक दो कड़ी पत्ता डालेंगे, गैस तेज कर देंगे और ब्रश से फैला लेंगे। इसके ऊपर रख देंगे हम अपना सैंडविच। हम किसी सैंडविच मेकर में सैंडविच नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल तवे पर बना रहे हैं। दूसरा सैंडविच भी हम इसी के ऊपर रख देंगे, इसे हम ओपन बनाएंगे। गैस को 2 मिनट धीरे कर देंगे। इस पर भी स्टफिंग लगा देंगे अपनी पूरी पनीर की। और जो हमने डिप बनाई थी थोड़ी सी डिप लगा देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप। साइड्स में डाल देंगे हम पीनट, मूंगफली और प्याज से इसको गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और जो हमने ये तड़का बनाया था इसे तो हम भूल नहीं सकते क्योंकि हमने इसमें साउथ इंडियन फ्लेवर देना है। इस तड़के को भी हम थोड़ा सा साइडों में डाल देंगे। इसे हिला लेंगे एक बार। अब गैस तेज कर देंगे हम थोड़ी सी। इस सैंडविच को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। 5 मिनट अब हम इसे। थोड़ा सा अमूल का बटर हम इसके नीचे वाली साइड भी लगा देंगे। बाकी हम इसे घुमा लेंगे क्योंकि हमारे तवे पर बहुत सारा बटर है। आपको हमने दोनों तरह से बनाकर दिखा दिया। आप चाहें तो इसे सैंडविच में, किसी टोस्टर में बना सकते हैं, सैंडविच में बना सकते हैं। दोनों तरह से हमारा ये सैंडविच रेडी हो चुका है। बहुत क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लें। ये हमारा डन हो चुका है, आपको दिखा देते हैं नीचे से। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसे पलट देंगे। दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। आप देखेंगे हमारे दोनों सैंडविच रेडी हैं। एक हमने ओपन बनाया और एक स्टफ बनाया। आप किस तरह के पनीर का सैंडविच में आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। आपको मैं फिर से बता रही हूँ, आप ब्रेड की जब भी साइड्स रिमूव करें तो उसे फेंके नहीं। इसके साथ हम कल एक अपनी रेसिपी डालेंगे, लॉलीपॉप पिज्जा। वो आप जरूर देखें हमारे जैमा कुकिंग क्लासेस में। बिल्कुल न्यू रेसिपी है लॉलीपॉप पिज्जा। छोटे बच्चे इस पिज्जा को बहुत पसंद करेंगे। पिज्जा तो वैसे सभी की मनपसंद होती है, बट आप जैमा कुकिंग क्लासेस में देखेंगे तो हेल्दी ट्विस्ट दिखेगा ही आपको। बस लीजिए, बनकर तैयार है हमारा
सैंडविच, पनीर सैंडविच विथ कर्ड डिप।